नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MS SSC नोट्स में। तो दोस्तों, हाजिर है आपके सामने लेकर UPTT 2018 का जीओ यानी शासनादेश। जी हाँ दोस्तों, आपके UPTT 2018 का शासनादेश जारी हो गया है। इसमें पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन कर सकता है और आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, आपको कैसे आवेदन करना, सब की जो पूरी स्थिति है स्पष्ट की गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हम अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं, तो आप सभी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे जाके मोहित शुक्ला सर्च कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज की वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ भी आपको UPTET, CTET या अगली शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप यहां पर भी जाके हमारे कोर्सेज को आसानी से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और दोस्तों, यदि आप हमारे MSSC नोट्स के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक छोटा सा काम करके जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे 8382912362 पर मैसेज करना है। जुड़ने की सुविधा शुल्क केवल 50 रुपीज़ रखी गई है। आप पेटीएम या फ़ोनपे के माध्यम से पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट हमारे इस ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, जिसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपकी स्क्रीन पर ये दिया गया है शासनादेश, यानी UPTT 2018 के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। मार्गदर्शी सिद्धांत यानी कि किस प्रकार से आयोजन किया जाएगा, कौन सी दिशा निर्देश को फॉलो आपको करना अनिवार्य है। तो बस मैं आपके लिए कम समय में आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उसी चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि ये जो शासनादेश है पूरे 38 पेज का है। कितने? 38 पेज का है। तो 38 पेज में जो शॉर्ट में जिसे कि आपको जानना आवश्यक है सिर्फ उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इसकी PDF भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पर पृष्ठभूमि और तर्क आधार, ये इसमें कोई बताया नहीं गया है किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। मेन हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए, मेन टॉपिक हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा 2.5 घंटे का रहेगा, यानी 150 मिनट की। ठीक है, तो बस, और आपका बहुविकल्पी रहने वाला है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो और बात करें इसमें और जो है आपका आवेदन प्रस्तुत करने का माध्यम, आपको ऑनलाइन ही करना है, ये तो आप सभी लोग कर लेंगे। अब आपके काम की बात आ गई, यानी NCTE ने किसे किसे मान्य किया है और कौन कौन इस UPTT 2018 में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये सभी के मन में ये प्रश्न रहता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि BTC हो, BLED हो, ठीक है, DLED हो, तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, DLED, BTC हो, स्नातक हो, शिक्षा मित्रों का 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। अब बात आती है BEd वालों का, तो BEd वालों को भी जो मन में संशय बन रहा है कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखेंगे विधि द्वारा स्थापित UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र के स्नातक BEd, जो इस संबंध में समय सारणी जारी किए गए हैं, तो NCT के विनियमन अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे BEd वालों को स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है। हो सकता है आपको अभी वेबसाइट पर BEd वालों के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा हो, लेकिन 1-2 दिन में इसको संशोधित कर दिया जाएगा और BEd वाले भी UPTT का फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, और भी जो प्रश्न है आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिए। बाकी आपका इस तरह से दिया है विशिष्ट BTC, 2 वर्षीय डिप्लोमा इन, तो जो जो भी हैं अपना इस सब अपना देख लीजिएगा। BLED वाले भी हैं, तो हर तरह से सब लोग को शामिल किया गया है। अब बात करें आपकी इसमें और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसमें और आपको क्या जानना आवश्यक है। ये आपको जानना है कि ये इसका सिलेबस, यानी आपका 30-30 अंक का सभी रहेगा, सबको पता होगा 30 अंक का आपका बाल विकास, हिंदी, और आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं। गणित आपका रहेगा ही, पर्यावरण भी रहेगा, सभी आपका 30-30 अंक का रहेगा और 150 प्रश्न 150 नंबर का रहेगा। तो ये चीज़ें आप सभी को पता भी होंगी, नहीं पता है तो आप लोग अब जान लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से पाठ्यक्रम के बारे में, आखिर नया जो पाठ्यक्रम है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा वो आपका परिषदीय पुस्तकों से लिया जाएगा, यानी कक्षा 1 से लेकर
8 तक की पुस्तकों से ही आपके यूपी टीटी में प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो कठिनाई स्तर रहेगा वो आपका इंटर लेवल का रहेगा। इंटर लेवल का मतलब ये है कि आपका ऐसा नहीं कि 8 तक का ही पूछा जाएगा, 9th और 10th से भी कुछ चीज़ें जैसे बाल विकास है आपका, वो 9th 10th 11th की एनसीईआरटी बुक से पूछी जाएगी। तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और आपका द्वितीय प्रश्न पत्र में भी ये सब सूचियाँ दी गई हैं। आप अगर सेकेंड ईयर जूनियर वालों की तैयारी कर रहे हैं तो आप जूनियर वालों का भी देख सकते हैं, इस तरह से दिया गया है। बाकी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप पीडीएफ देख लीजिएगा। अर्हता अंक आपको जो जनरल वाले हैं उन्हें 90 नंबर लाना है, ओबीसी वालों को 82, यानी कि आपको जो 60% की पासिंग मार्क रखी गई है, तो इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ 82 नंबर दिया गया है ना, यहाँ पे ओबीसी वालों को, ओबीसी और अदर्स जो भी हैं सबके लिए। अब चलिए बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम कहाँ है, जल्दी से पाठ्यक्रम भी आ जाइए। यहाँ से आपको ये सब चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है, ये सब प्रवेश प्रक्रिया ये सब आपको पता ही है ना। तो ये सब चीज़ें कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये 38 पेज की पूरी पीडीएफ है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है 200-2000 रुपये यूपी टीटी में परीक्षा शुल्क के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए 500 रुपये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क रखी गई है, ठीक है। 4 तारीख से आप सभी को पता है आपका पेपर है 4 नवंबर से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, इसका पाठ्यक्रम बहुत नीचे आ गया है, परीक्षा फल भी आपका ओएमआर पे ही होना है, परीक्षा जो भी कार्यक्रम रहेगा ये आ गया, ये आ गया आपका पाठ्यक्रम। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे पाठ्यक्रम क्या इस बार कुछ बदलेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो ये आपका ऑफिशियली एकदम ऑथेंटिक पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए बाल विकास है एवं शिक्षण विधि है। तो बाल विकास और शिक्षण विधि आपका 30 प्रश्न का रहेगा, जिसमें कि आपका देखिए क्या क्या है, जैसे कि आपको हम शॉर्ट में चीज़ें बता रहे हैं, बाकी पता तो आपको होगा ही, जैसे कि क्षेत्र बाल की और बाल्यावस्था की आवश्यकताएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो ये सब जितने भी बाल विकास के अंतर्गत आते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, सामाजिक, तो ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। शिक्षण विधि में आपका बात करें तो संप्रेषण हुआ, शिक्षण सूत्र हुआ और सूक्ष्म शिक्षण हुआ, और शिक्षण कौशल से भी संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप सभी जो है हमारे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं 8382912362, ठीक है 62, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, 9123-62 है। तो आप लोग अगर इस पे मैसेज करके हमसे इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करें आपकी इसमें और क्या चीज़ें हैं, हिंदी में भी देखिए क्या दिया है आपका, ये संशोधित है। संशोधित का मतलब ये है कि आपका थोड़ा कुछ पैटर्न नया लाया गया है। पैटर्न का मतलब ये है कि पहले जो था आपका कुछ भी पूछ लेता था, लेकिन इस बार सब जो सिलेबस रहेगा आपका परिषदीय पुस्तकों के आधार पर ही सारा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला, हिंदी में संयुक्ताक्षर, विराम चिन्ह, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वाच्य, समास, अलंकार, और आपका हिंदी पेडागोजी में भी आपका जो अधिगम संबंधी जो चीज़ें हैं वो सब पूछा जाएगा, भाषा कला, भाषा कौशल, सुनने की योग्यता, पढ़ने की लिखावट, ये सब चीज़ें हैं। तो कॉमन सी चीज़ें हैं, इंग्लिश भी आपके स्क्रीन पर ये है, आप सब इसको देख सकते हैं, जिसमें कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है, और पंक्चुएशन है, एक्टिव पैसिव सिंगुलर प्लूरल सब कुछ है। उर्दू भाषा आप लोग देखना चाहो तो, आप लोग उर्दू वाले इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिए। संस्कृत की बात कर लेते हैं, संस्कृत में क्या आएगा आपका, संस्कृत में आपका अकारांत, जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब रहेगा, ठीक है। और आपका जैसे घर परिवार, पशु पक्षियों के नाम, तो और ये सब चीज़ें हैं पूछा जाएगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, शरीर के अंगों के नाम, संधि, लिंग, वचन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें भी आपका पैडागोजी जो है बहुत कठिन नहीं है, इजी है, तो आप लोग इसको भी आसानी से कर सकते हो। गणित में भी कोई सिलेबस आपका चेंज नहीं है, बस आपका जितना नंबर सिस्टम, लघुत्तम, समापवर्तक, भिन्न, जोड़ घटाना, इससे हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड की है, हमारे एक्सपर्ट टीचर रखे गए हैं आपको मैथ पढ़ाने के लिए, और रेगुलर मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग देख लो एक बार, एक एक नियम, प्रतिशतता, लाभ, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, तो ये सब चीज़ें हैं। पर्यावरण में भी आपका कुछ नया नहीं है, पर्यावरण लगभग लगभग वही है, बस आपका बेसिक चीज़ें पूछा जाएगा, आपका कक्षा 1 से 8 तक के बीच में जो भी चीज़ें हैं उसी के आधार पर ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ओके। तो बस यही है, और 6 to 8 के लिए भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख लो, उसके लिए आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ें हैं, ठीक है।
बाकी आप इसकी पीडीएफ ले लो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो और इसमें आपके बताने के लिए मैं क्या और कुछ है नहीं, ठीक है, बाकी सब यही सब है जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपका जैसा है कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर इसे अप्लाई करना है, ठीक है, ये किस प्रकार से अप्लाई करना है ये सब चीज़ें बताई गई है। ऐसा तो आप लोग अपने से कर लेते हो, हर चीज़ पता ही होगा, ज़्यादातर लोग अपने से कर लेते हैं, कुछ लोग साइबर सुरक्षा जो साइबर कैफ़े पे जाके अपना भरा लेते हैं। तो ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप सभी जो है इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर देना यार, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो टीम है आपके लिए परिषदीय पुस्तकों के आधार पर ही जो आपका पेपर आएगा उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर लिखा है, इसे आप फॉलो करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, 8382912362, ठीक है। इस पर आप हमें मैसेज करके, इसकी जो सुविधा शुल्क है ओनली 50 रुपीज़ रखी गई है, 50 रुपीज़ पे कर सकते हैं। कैसे पे करना है आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।